क्या भाई साहब, आपसे एक गाड़ी ही तो मांगी थी। जी जी भाई साहब, गाड़ी बिल्कुल रेडी है। ये लीजिए इसकी चाबी। ये तो ठीक है, मगर हमें पता चला है कि गाड़ी एसी वाली नहीं है। जी असल में वो थोड़ी महंगी पड़ रही थी। अरे गाड़ी ही तो मांगी थी आपसे, कोई जहाज थोड़े ही मांगा था। सुनो भाई साहब, कह रहे हैं कि गाड़ी एसी वाली होनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, उनको कह देंगे कि एक हफ्ते में एसी बदलकर हम एसी कार पहुंचा देंगे। आप चिंता मत कीजिए, रमेश की माँ से मैं बात करती हूँ। बहन जी आप चिंता ना करें, हम आपको एसी वाली गाड़ी पहुंचा देंगे। क्षमा कीजिए, हमसे थोड़ी सी गलती हो गई। लेकिन आपको ख्याल रखना चाहिए था ना, आखिर आपकी बेटी के फ्यूचर का सवाल है। क्या गलती हो गई माँ जो माफी मांग रही हो? आपने किस तरह पैसे जमा करके ये कार खरीदी है ये मैं ही जानती हूँ। यही ठीक है माँ, मुझे एसी वाली कार नहीं चाहिए। अरे चुप हो जाओ राधा। चुप क्यों रहूं? आप मेरी शादी कर रहे हैं, मंडी में कोई सौदा नहीं कर रहे। अरे इतनी लंबी जुबान, एक तो शक्ल काली है उस पर जुबान भी कड़वी, और फिर कार भी बिना एसी के। हमारी तो किस्मत ही खराब है। नहीं आंटी, आपकी किस्मत खराब नहीं, मेरी किस्मत अच्छी है कि पहले से पता चल गया। ऐसा है, आप लोग बारात वापस ले जाएं। मुझे ऐसे घर में शादी नहीं करनी जो ना सिर्फ लालची हैं, बल्कि रंग और शक्ल का भी भेदभाव करते हैं। राधा तुम मेरी माँ से इतनी बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। रमेश जी आप घर जाइए और अपने माँ बाप के अनुसार अपना दाम लगवाइए, मैं अब ये शादी नहीं करूँगी। राधा देख रही है तेरे पापा की तबीयत कितनी खराब है, अगर कल तूने जबान ना चलाई होती तो आज तू भी और हम भी सुखी होते। नहीं माँ, कोई सुखी नहीं रहता। जो शादी पर इतना लालच दिखा रहे हैं वो सारी जिंदगी मांगते रहते, और कुछ नहीं तो मेरे रंग को लेकर ताना देते रहते। यही तो तुम्हें समझ नहीं आता कि कितनी मुश्किल से ये रिश्ता हुआ था। जो भी आता तुम्हारी बहन माया को पसंद करके चला जाता था, क्योंकि वो गोरी है। अरे इन्होंने कम से कम तुमसे शादी के लिए हाँ तो की। नहीं माँ, अब मुझे यह रंग का ताना किसी से भी नहीं सुनना। मैं बचपन से यह सुन सुन कर थक गई हूँ। कभी बुआ कहती कितनी प्यारी लग रही हो राधा रेड फ्रॉक में, लाइट कलर्स की फ्रॉक मत पहना करो। दादी की रोज एक ही रट, अरे दूध पियोगी तो गोरी हो जाओगी। अक्सर माँ तुम खुद ही डांटती, बाहर धूप में मत खेलो रंग और भी काला पड़ जाएगा। इन सब टोटकों से मेरा रंग तो ठीक ना हो सका, मगर मेरे आत्मविश्वास को आप लोगों ने चूर चूर कर दिया। बस बहुत हुआ, मैं अब पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनूंगी और दूसरी लड़कियों को भी उनका स्वाभिमान दिलवाने में मदद करूंगी। आखिर कब तक ये रंग रूप का भेदभाव चलता रहेगा? राधा ने बहुत मन लगाकर पढ़ाई की। वो दिन में नौकरी करती और रात को पढ़ाई करती। कुछ वक्त के बाद वो एक हाई स्कूल में केमिस्ट्री की टीचर बन गई। पढ़ाने के साथ साथ वो लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती। राधा के ही स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे के अंकल ने राधा के बारे में सुना। वो बहुत ही पढ़ा लिखा और समझदार इंसान था। उसने राधा से मिलने का फैसला किया। हेलो मिस राधा, आप कैसी हैं? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। कुछ मुलाकातों के बाद आखिर उसने राधा के सामने एक प्रस्ताव रखा। राधा मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ और तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। मैं आपके विचारों की कदर करती हूँ, लेकिन इतनी जल्दी मैं अपनी जिंदगी का फैसला नहीं ले सकती। मैं तुम्हारी चिंता समझ सकता हूँ, लेकिन विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा।
समीर, मैं अपनी बेटी को किसी की भी जली कटी सुनने नहीं दूंगी, चाहे उसका रंग रूप जैसा भी हो। मुझे तो तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत पसंद है। तुम्हारे जैसी माँ जिस बच्चे को जन्म देगी वो कितनी स्ट्रॉन्ग बच्ची बनेगी। समीर, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। क्या भाई साहब, आपसे एक गाड़ी ही तो मांगी थी। जी जी भाई साहब, गाड़ी बिल्कुल रेडी है। ये लीजिए इसकी चाबी। ये तो ठीक है, मगर हमें पता चला है कि गाड़ी एसी वाली नहीं है। जी असल में वो थोड़ी महंगी पड़ रही थी। अरे गाड़ी ही तो मांगी थी आपसे, कोई जहाज थोड़े ही मांगा था। सुनो भाई साहब, कह रहे हैं कि गाड़ी एसी वाली होनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, उनको कह देंगे कि एक हफ्ते में एसी बदलकर हम एसी कार पहुंचा देंगे। आप चिंता मत कीजिए, रमेश की माँ से मैं बात करती हूँ। बहन जी, आप चिंता ना करें, हम आपको एसी वाली गाड़ी पहुंचा देंगे। क्षमा कीजिए, हमसे थोड़ी सी गलती हो गई। लेकिन आपको ख्याल रखना चाहिए था ना, आखिर आपकी बेटी के फ्यूचर का सवाल है। क्या गलती हो गई माँ, जो माफी मांग रही हो? आपने किस तरह पैसे जमा करके ये कार खरीदी है ये मैं ही जानती हूँ। यही ठीक है माँ, मुझे एसी वाली कार नहीं चाहिए। अरे चुप हो जाओ राधा। चुप क्यों रहूं? आप मेरी शादी कर रहे हैं, मंडी में कोई सौदा नहीं कर रहे। अरे इतनी लंबी जुबान, एक तो शक्ल काली है उस पर जुबान भी कड़वी, और फिर कार भी बिना एसी के। हमारी तो किस्मत ही खराब है। नहीं आंटी, आपकी किस्मत खराब नहीं, मेरी किस्मत अच्छी है कि पहले से पता चल गया। ऐसा है, आप लोग बारात वापस ले जाएं। मुझे ऐसे घर में शादी नहीं करनी जो ना सिर्फ लालची हैं, बल्कि रंग और शक्ल का भी भेदभाव करते हैं। राधा, तुम मेरी माँ से इतनी बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। रमेश जी, आप घर जाइए और अपने माँ बाप के अनुसार अपना दाम लगवाइए। मैं अब ये शादी नहीं करूँगी। राधा, देख रही है तेरे पापा की तबीयत कितनी खराब है। अगर कल तूने जबान न चलाई होती तो आज तू भी और हम भी सुखी होते। नहीं माँ, कोई सुखी नहीं रहता। जो शादी पर इतना लालच दिखा रहे हैं वो सारी जिंदगी मांगते रहते, और कुछ नहीं तो मेरे रंग को लेकर ताना देते रहते। यही तो तुम्हें समझ नहीं आता कि कितनी मुश्किल से ये रिश्ता हुआ था। जो भी आता तुम्हारी बहन माया को पसंद करके चला जाता था, क्योंकि वो गोरी है। अरे इन्होंने कम से कम तुमसे शादी के लिए हाँ तो की। नहीं माँ, अब मुझे यह रंग का ताना किसी से भी नहीं सुनना। मैं बचपन से यह सुन सुन कर थक गई हूँ। कभी बुआ कहती, कितनी प्यारी लग रही हो राधा रेड फ्रॉक में, लाइट कलर्स की फ्रॉक मत पहना करो। दादी की रोज एक ही रट, अरे दूध पियोगी तो गोरी हो जाओगी। अक्सर माँ तुम खुद ही डांटती, बाहर धूप में मत खेलो, रंग और भी काला पड़ जाएगा। इन सब टोटकों से मेरा रंग तो ठीक ना हो सका, मगर मेरे आत्मविश्वास को आप लोगों ने चूर चूर कर दिया। बस बहुत हुआ, मैं अब पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनूंगी और दूसरी लड़कियों को भी उनका स्वाभिमान दिलवाने में मदद करूंगी। आखिर कब तक ये रंग रूप का भेदभाव चलता रहेगा। राधा ने बहुत मन लगाकर पढ़ाई की। वो दिन में नौकरी करती और रात को पढ़ाई करती। कुछ वक्त के बाद वो एक हाई स्कूल में केमिस्ट्री की टीचर बन गई। पढ़ाने के साथ साथ वो लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती। राधा के ही स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे के अंकल ने राधा के बारे में सुना। वो बहुत ही पढ़ा लिखा और समझदार इंसान था। उसने राधा से मिलने का फैसला किया। हेलो मिस राधा, आप कैसी हैं? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। कुछ मुलाकातों के बाद आखिर उसने राधा के सामने एक प्रस्ताव रखा। राधा, मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ,
और तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। मैं आपके विचारों की कदर करती हूँ, लेकिन इतनी जल्दी मैं अपनी जिंदगी का फैसला नहीं ले सकती। मैं तुम्हारी चिंता समझ सकता हूँ, लेकिन विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। समीर, मैं अपनी बेटी को किसी की भी जल्लीकट्टी सुनने नहीं दूंगी, चाहे उसका रंग रूप जैसा भी हो। मुझे तो तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत पसंद है। तुम्हारे जैसी माँ जिस बच्चे को जन्म देगी वो कितनी स्ट्रॉन्ग बच्ची बनेगी। समीर, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा।